हनुमान अष्टमी पर राजवाड़ा चौक स्थित मीठी बावड़ी हनुमान मंदिर से बाबा हनुमान जी महाराज नगर भ्रमण पर निकले। प्रभात फेरी में हनुमान जी महाराज का अष्ट धातु का 17 किलो का सुंदर मुखौटा बनाया गया। यात्रा के तहत नगर को भगवाकरण किया गया था। यात्रा मार्ग में बंधनवार तोरण, भगवा झंडे आदि लगाए गए थे। सुबह 6:30 बजे शुरू हुई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में नगर के श्रद्धालु उपस्थित रहे। मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल के दूसरे वर्ष प्रभात फेरी में कर्नाटक के बाहुबली हनुमान की चलित झांकी, अश्व, ऊट, ढोल, तासे, गाजे बाजे, उज्जैन की सुप्रसिद्ध भव्य रमैया मंडली और प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देते चल रहे थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर और प्रतिमा स्थल को फूल बंगला स्वरूप में सजाया गया था। वहीं 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। हनुमान अष्टमी पर निकली प्रभात फेरी पश्चात शाम को नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र का पहला ऐसा भंडारा है जिसमें दाल बापले और चूरे का प्रसाद बनता है, जिसमें 675 किलो देसी घी, 1800 किलो आटा, 270 किलो दाल, 4500 लीटर तेल, 200 किलो रवा, 200 किलो शक्कर, बूरा सहित खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। भंडारा में हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मीठी बावड़ी बालाजी भक्त मंडल के तत्वाधान में द्वितीय वर्ष प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बेटमा की जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, माता बहनों ने हिस्सा लिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मीठी बावड़ी भक्त मंडल द्वारा हनुमान अष्टमी पे एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी के अंदर सभी बेटमा नगर के वासियों ने बड़े धूमधाम से हिस्सा लिया है और आज यह बड़ा हर्ष का विषय है कि आज शाम को दाल बापले का भंडारा भी है। इस भंडारे के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का यह भंडारा आयोजित किया गया है और इस चल समारोह में एक हनुमान जी और त्रिनेत्र महादेव, भस्मार रमैया मंडल और बेटमा नगर के तमाम लोगों को शामिल हुए। इन सभी के लिए बेटमा नगर वासियों को और बेटमा के मिट्टी बावड़ी भक्त मंडल द्वारा सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय सियाराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।